टू माई चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। यहाँ पे चल रहा है शूलिनी माता का मेला, लेकिन 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 मैं गई नहीं। कल भी था यहाँ पे। कल तो जो मेन मेला होता है वो कल होता है, क्योंकि माता जो की झांकी आती है ना, तो मैं जा नहीं पाई, थोड़ा बिजी थी मैं। और क्या देख रहे हो पीछे से? वो पागल है, छोड़ो। तो मैं जा नहीं पाई। और कल पता है यहाँ पे जस्सी गिल आया था, मेरा फेवरेट है जस्सी गिल, पर मैं जा नहीं पाई। मैं थक गई थी यार, मैं सो गई थी बहुत जल्दी। मैं चली जाऊंगी मेले में थोड़ी देर, खाना लंच लुंच करके थोड़ा सा से घूम लूंगी मार्केट, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो इधर आओ जरा, बताओ आपके साथ क्या हुआ है कल? बंदी ने यहाँ पे ना, सब कुछ ऐसे होता है कि मतलब हर एक शॉपकीपर या फिर कोई भी, मतलब कोई भी जिसने अपनी श्रद्धा से कुछ देना होगा तो वो मार्केट में देता है। कोई आइसक्रीम दे रहा होता है, कोई फ्रूटी, कोई चॉकलेट, कोई कुछ भी, मतलब अपनी फ्री होता है मैक्सिमम चीज़ें, खाना वगैरह भी फ्री होता है। तो मम्मी ने ना भंडारे भंडारे खाए होड़े परे, और रात को 12 बजे उठ के रो रहे थे कि मेरे हो रही है पेट में दर्द, मेरे बन गया गोला। आपको किसने बोला था बताओ मेरे को भंडारे खाने फिर को? मैंने थोड़ी से खाई, राजमा चावल खाई, फिर भंडारे कर रहे। शाम को अरे आ गई, और शाम को खा गया रास्ते में वो समोसा, फिर मेरे यहाँ पेट में इतना बड़ा गोला बन समोसा गया। हलवा को नहीं डांट रही थी दिन को। फिर मैं रोने थी, रात को पता है मैं कर रही थी वो एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करके, फिर रात को आधी फिर रात आधी कुतरी है, फिर मैं सो गई। रात को 12 रात को 12 या 2 बजे फिर लगे मैंने हुए थे चुपचाप एक्सरसाइज से ऐसे करने। ऐसे करके आई ना, मैं ऐसे ऐसे करके, मैंने सोचा इसको नींद ना चाहिए, खुली में वो ढूंढ रही थी, क्या ना बता, इन्हू ढूंढ रही थी ऐसे ऐसे करके ना, फिर इन्हू ढूंढ रही थी मैं, फिर इसने देख लिया, फिर बोली मम्मी पापा करे मेरे तो पीठ में दर्द हो रही है, फिर मेरे को डांटने लगी। तो क्या करना था फिर? डांटना नहीं था तो ए लॉक क्या होता? हाँ, फिर ऐसे एक हुआ रात को, और फिर अब देख लो इतना कुछ ठूसेंगे, कुछ भी मार्केट से नहीं ठूसेंगे। ठूसा कुछ और नहीं, आप ये ना रोज कुछ जाते हैं, ये रोज जाते हैं भंडारे खाने, भंडारे ढूंढने होते हैं, ये इनो इनकी आदत बन चुकी है। सभी क्या हुआ, पड़ोसियों के साथ जाके बिगड़ चुकी है ये लड़की। और ऊपर से रात को चुपके चुपके आ रहे से डर के मारे कि मैं बोलू जी कि क्यों खाया क्यों खाया। अब इनको दर्द हो रही थी रात को, और पूरी रात में ढंग से सोए नहीं आज आज तो। के बाद नहीं खाऊंगी, आज ही खा क्या हो गया आप फिर से? पकड़े तुम लोगों को उठक बताऊंगी मैं बैठक अगर गर्म ये देसी, खाए। उठक बैठक ड्रामे कर रहे फालतू देसी। के। नहीं ना, मैंने कभी अभी सच्ची बोली हूँ, ना इन्होंने ना सच्ची एक बोली बार ये हूँ, हाँ भागवत में देसी। गए थे, उस टाइम भी ये एक हफ्ता भी मार रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा गोला हो गया तो सांस फूल रही थी, मैं मरने वाली हूँ आज। तो आपको किसने बोला था फिर ये भंडारे की रोटियां ओ खाने भाई को? मटी खप हो गई थी फ्री मेरी का तो, खाना पक्के मोल पड़ जाएगा किसी दिन। फ्री के क्यों खाना ना खाते तो शौक होता ही है, रोज भंडारे खाने का शौक? ये कैसा शौक है भाई? ये माता का भंडारा है, जब कभी होता माते वो का भंडारे के चक्कर में साल पेट पेट कर में देना रहता है खराब। ये तो खा। तो गाइज आई हैव चेंज्ड माय क्लोथ, क्योंकि वो टॉप ना थोड़ा ऐसे टाइट सा था लग रहा था, और थोड़ा सा क्रॉप लग रहा था, तो मेरे को अजीब सा ही लग रहा था ना, तू तो मेली मैंने वो बोली यार, चेंज खुद कर ही लिया। क्यों ना लाती हो, खुद ही भाई परसों पास रेट कम नहीं चल यार रहा है, जाएगा कौन वहां पे? रेट कम तो चल मैं ना रहा है, मेरे को परे वो छोटू जैसे बैग दिखे लंच के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ वर्मा ज्वेलर के आइटम बैग में डब्बा था होने लंच वाले लिया हैं, हुआ, तो मैंने सोचा मैं हाँ 200 रुपए का लाऊंगी, फिर बाद में वहाँ 80-80 रुपीज के पड़ रहे, आ जाऊंगी मैं एमपी वहां पे। कंपनी लेकर आओ। छाता दे दो। ओ कल मैंने वो छाता लाया। नहीं हाँ वो भूल गया ना, पर वो वहीं पे है और छाता। चेक करे इतना अच्छा से आता है अभी यार मैं रोज कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, पता पिछले वाले इसमें देखना मैं 2-3 बार वो दिन तो मेरा भूलने का ही दिन था। तो गाइस देखो मैं आप सबको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी है। वेट अ सेकेंड लेट मी शो यू। अभी तो बंद है सारी शॉप क्योंकि सुबह के काफ़ी सुबह हो रही है अभी, तो लेट देखो यहाँ पे भी शॉप है, यहाँ पे पूरे मार्केट में भी शॉप्स लगी है, और लोग
जो आए हैं वो यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे सो रहे हैं अभी तो मैं देख रही थी इनको यार कि कैसे होती है लाइफ। वी आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। अभी से ही इस बार रश होने लग गया है, वैसे सुबह सुबह रश नहीं होता पर सब जगह यहाँ पे वो लगी है। मैं आपको शाम दिन को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे इतनी सारी शॉप लगी है, बहुत सारी। मज़ा आता है मुझे शॉप देखने का। मेले में मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, क्राउड के अलावा। क्राउड नहीं मुझे पसंद, पर बहुत सारी शॉप्स लगी होती है, फिर नई नई चीज़ें देखने को मिलती है ना, और बहुत मज़ा आता है फिर, और सस्ती फिर तो और भी मज़ा आता है। और यहाँ देखो ये लाइब्रेरी के बाहर माता की मूर्ति वगैरह, भगवान की मूर्ति लगी है। और ये रही पुस्तकालय। लोग आए हैं सुबह सुबह भी शायद, आज तो कोई नहीं आया यार। तो गाइस लंच में मैं लेके आई हूँ, मम्मा बनाया है, मम्मा ने ये है, क्या है ये, घिया, चपाती, थोड़ा सा प्याज, बस इतना ही है अभी लंच करी हूँ, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं अब खाना खा लेती हूँ, फिर मेले में जा रहे हैं हम, फिर वापस आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा शोर है। तो गाइस मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ अभी लाइब्रेरी से, हमने सोचा कि थोड़ा सा मॉल रोड का चक्कर लगा लेते हैं, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शोर है और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी क्योंकि माइक तो है नहीं मेरे पास। तो घर पे माइक पड़ा हुआ है वैसे मेरे भाई का, पर यार वो ना इस आईफोन के साथ लग नहीं रहा है, वो डाटा केबल लेनी पड़ेगी उसके लिए, और डाटा केबल बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आप देख सकते हो सभी लोग यहाँ पे, बहुत सारी शॉप्स लगी हुई है बाहर, और इतना ज़्यादा रश है ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता। आज मॉल रोड बंद है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता, अरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश दिखते हुए। आगे बहुत सारे वैसे और कुछ है नहीं है सच, कल काम, कल मजा आ रहा था, कल अच्छा था, पर कल मैं गई नहीं, आई गाड़ी आ रही थी, तो क्या मैं बाहर का ज्यादा खाना खा नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पे मिल रहे हैं छोले और पूरी। कहाँ गया खाना तो नहीं है, तो मैं खा नहीं सकती इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती अब। आई कांट, इतनी लंबी लाइन लगी है, किसी को आना हो तो भंडारे खाने वो आ सकता है। हर जगह ही कुछ ना कुछ होता है, अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं जिसकी मर्जी, जैसे यहाँ पीछे ये अंकल पानी दे रहे हैं, वो अपनी चॉइस है, मतलब कुछ भी सेवा कर सकते हो तुम लोग। अब ये देखो कितनी लंबी लाइन है, अब इस लंबी लाइन में लगे हुए हैं लोग भंडारा खाने। इतना ले लो, उसके लिए चाहिए थी यार। चलो देखते हैं, मेरे को उसके लिए चाहिए भी पर मिले यार टाइमिंग वॉच, और मैं महंगी वॉच भी। तो गाइस बस यही सब लगाया है यहाँ पे, और जगह जगह पे खाने की चीज़ें हैं बहुत सारी फ्री में, और मैं अभी वो लेने जा रही हूँ, वो जो मैंने आप लोगों को बोला था ना बैग, मेरे को यहाँ पीछे वॉच दिखी, आ जाओ आ जाओ, नकली वॉच। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि मैं यूजुअली वॉच लेती नहीं हूँ क्योंकि मैं टाइम फोन से ही देख लेती हूँ, तो फिर इसलिए मैंने ये ले लिया है। भैया ने मेरे को 200 रुपए की दी, पता नहीं भैया ने मेरे को ठगाया है कि नहीं, अभी ये 2 दिन में खराब हो जाएगी वो अलग बात है, पर मैंने ले लिया है। लेट्स सी चश्मे कितने के हैं, 150 रुपए के चश्मे हैं जो दीदी 100 रुपए में दे रही हूँ मैं। आंटी 1200 में ले रही है, पहले में भी आंटी 1200 में दे रही है गाइस। अच्छा
समझू आपकी तरह है ये। तो दोस्तों सोचा था मेले में कुछ नहीं लेंगे, तो हमने एक सूट ले लिया, सस्ते पड़ रहे थे हमारे को तो हमने दो सूट ले लिए। अब पता नहीं कैसे निकलेंगे ये, पर चलो वैसे सस्ते ही है तो क्या ही जा रहा, ट्राई कर लेते हैं, क्यों कभी कभी चीज अच्छी निकल जाती है ऐसा नहीं। और वैसे ये ठीक ही है, वहां तक तो क्या ही खराब होंगे। तो गाइस मैं लाइब्रेरी से वापस आ चुकी हूँ और यहाँ भी इतना ज्यादा रश है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मेरी साउंड आई थिंक इट्स आई एम नॉट ऑडिबल मे बी। और दिन को ना मैं ये देखो, ये मेरे घर का रास्ता है जो खाली होता है यूजुअली, पर ये पूरा भरा हुआ है। देर आर सो मैनी पीपल। इतना ज्यादा रश है यहाँ पे, इतना ज्यादा, सारी शॉप्स खुली है। मैं आपको बता रही थी ना यहाँ पे शॉप खुली है। मे बी मैं इसके बाद मम्मा के साथ आऊँ तो देन आई विल शो यू। चिल्ला रहे हैं बहुत जोर जोर से, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा साउंड है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, इसलिए मैंने थोड़े से शॉर्ट किए क्योंकि मैं परसों तो आई नहीं थी, तो इसलिए आज ही आई हूँ मैं आज ही। बाकी मैं वापिस ही जा रही हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू शूट, नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क कहाँ बोल रही हूँ मैं क्या पागल हो गई, मेरे पास बैटरी नहीं। मैं वापिस आ चुकी थी, पता तो है तुम लोगों को। ये देखो मेरी वॉच मेले से ली है मैंने। यार मैंने ना, मेरे को वॉच का ज्यादा शौक नहीं है, मैं वॉच यूज ही नहीं करती। मैंने सोचा था मैं एक अच्छी सी ब्रांडेड सी वॉच लूंगी, पर मैं यूज ही नहीं करती तो फिर क्या ही है। मैंने ये जस्ट अभी ऐसे ही देखने को लगाई थी तो मैंने बस ऐवे ही ले ली। मैं कहा पेपर में भी चाहिए ही होती है वॉच, मेरे को वॉच पसंद ही नहीं है, हाथ में कुछ पसंद नहीं है मुझे वैसे पहनना। फिर ये एमरजेंसी में लेने पड़ी और मेरे को फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करने थे वो चीज़ के लिए जो मैं यूज़ नहीं करती, पर मैं बीच में लूँगी कोई अच्छी वॉच। तो बस यही था, वैसे अच्छी लग रही है यार, लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा वॉच के बारे में। तो अभी तो मैं खाना खा रही हूँ, मम्मा गए हैं ऊपर फंक्शन में, जो नाइट फंक्शन होता है मेले वाला, तो मम्मा वहाँ गए, सभी लोग वहाँ गए पड़ोस से। तो मैं बस खाना खा रही हूँ, मैं अभी थोड़े काम कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि खाना खा लूँ। तो हमेशा की तरह मैं चावल भर रही हूँ और ये है सूप बनाया है मम्मा ने चने का, प्याज रख लेती हूँ, चने का सूप, चावल, ये छोटे से प्याज है, बिना प्याज के मजा नहीं आता यार। मेरे को चने का सूप बहुत पसंद है, मतलब मेरे को चने ना, चने और चावल नहीं है पसंद, मेरे को चने का सूप पसंद है बहुत ज़्यादा, और ये मेरा फेवरेट है यू नो चने का सूप। तुम्हें कल वाले व्लॉग में पक्का कि मैं क्या लेके आई थी, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि मैं क्या लेके आई थी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड